देखो फिलहाल तो मोदी जी है, लेकिन 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होता है उस समय तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अपनी अपनी अलग अलग सोच है, सामने वाली पार्टी का तो अभी तक कोई नेता ही नहीं उभर के आया है, हर चुनाव हार रहे हैं वो जाके। बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया, सड़कें बनाने से किसी भी शहर का विकास नहीं होता है। इसके दौर में हर इंसान की जेब में पैसे रहते थे, आज के दौर में पैसा ही नहीं है। इसके दौर में आपके पास मोबाइल है ना, उसमें बैलेंस है ना, तो डिजिटल इस्तेमाल करो ना, पैसे रख के क्या काम है दो नंबर के आपको। इस देश में डिजिटल क्रांति लाया कौन, जरा पूछो तो सही मोदी जी से। 50 साल से बोल रहे राजीव जी कंप्यूटर लाए थे, गए राजीव जी, अब मोदी जी का जमाना है, अब मोदी जी का जमाना है, जब जाएंगे बाकी अभी है वो। मेरी बात सुनो, अभी मोदी जी है 5 साल और आने वाले टाइम पे योगी जी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और आप बात कर रहे हो देश के विकास की, क्या देश का विकास नहीं हो रहा, पूरा वर्ल्ड की हालत देख लो, अमेरिका की करेंसी डाउन, चाइना की करेंसी डाउन, इंडिया की हालत बताओ आप। दो दो कोविड से निपटे इंडिया, फिर भी आज चारों तरफ से इंडिया इंडिया हो रहा है, किस चीज़ में इंडिया पीछे रह गया। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस बीच सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। जी हाँ, मौजूद अभी रतलाम में, आपको मालूम होगा कि रतलाम एक लोकसभा सीट है। आइए हम रतलाम की जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे 2024 में ये प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। जी नमस्कार भैया। प्रधानमंत्री के रूप में हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे, पर रतलाम में हम पारा दादा को देखना चाहेंगे। ऐसा क्या है कि आप लोकसभा की सीट में कांग्रेस को देखना चाहेंगे, लेकिन हम दादा पारा दादा को इसलिए देखना चाहेंगे, दादा सरल और सहज है, हमें हमेशा उपलब्ध रहते हैं और वहाँ जाने हम वहाँ जाते हैं तो हमको मिलने का टाइम देते हैं, इसलिए हम पारा दादा को जिताना चाहेंगे। और सांसद की बात करें तो क्या लगता है आपको, यहाँ आपके यहाँ पे जो लोकल सांसद उन्होंने काम किया है? काम तो हुआ गुमान सिंह का, इसमें कोई दो राय नहीं, काम हुआ है। देखो फिलहाल तो मोदी जी है, लेकिन 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होता है उस समय तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज हम काम के हिसाब से देखें मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, कितना मजबूत चेहरा होगा और मोदी जी को बराबरी की टक्कर भी देगा। और ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, इस देश में जो बहुत से प्रधानमंत्री आए चले गए, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी भी करेंगे। और विपक्ष का अगर चेहरा अच्छा होगा तो हो सकता है मोदी जी के जगह वो चेहरा अगला प्रधानमंत्री हो 2024 में। अगर जैसा कि आपने बोला कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन वही 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सब पार्टी आपस में गठबंधन करके एनडीए को हराना चाहती है, लेकिन अभी तक अपना प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं घोषित कर पा रही है, तो आप किसको चाहते हैं? प्रधानमंत्री का सशक्त चेहरा आज सामने, या तो हमारे राहुल जी गांधी कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद है, या भी नीतीश कुमार जी है, गठबंधन में जो भी नाम तय हो विपक्ष का, वो एक अच्छा मजबूत चेहरा होगा और मोदी जी को बराबरी की टक्कर देगा 2024 में। बस ये चेहरा तय हो जाए विपक्ष में कि राहुल जी गांधी रहेंगे या नीतीश कुमार जी रहेंगे, विपक्ष का मजबूत चेहरा कौन रहेगा, उसके आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव तय होगा। फिलहाल तो मोदी जी की स्थिति बहुत मजबूत है। कि जैसे कि आपने बोला कि आप इंडिया का गठबंधन हुआ उसमें से किसी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन वही लोग विधानसभा चुनाव में वही राजनीतिक पार्टियां जिन्हें गठबंधन किया एक दूसरे का पैर खींच रही हैं, चाहती तो विधानसभा में भी तो आपस में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, फिर एक दूसरे को गालियां क्यों दे रही है? गठबंधन हुआ है ना कि विधानसभा चुनाव। बात आपकी बात मानता हूं मैं, लेकिन एक दूसरे को गालियां क्यों दे रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में क्यों लगे हैं? कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है, विधानसभा में गठबंधन की बात हुई नहीं थी, लोकसभा 2024 का गठबंधन है, वो 2024 का लोकसभा चुनाव का गठबंधन होगा, क्योंकि ऑलरेडी मध्य प्रदेश में दो दलों का मुख्य मुकाबला हमेशा से होता आया है, पिछले 4 दशक से भाजपा और कांग्रेस, इसके अलावा यहाँ किसी भी दल का वजूद नहीं रहा, इसलिए यहाँ गठबंधन कोई मायने नहीं रखता है। तो भैया आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यहाँ पे? रतलाम में तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और केंद्र में? केंद्र में मोदी जी जीतेंगे। हाँ, और इन भाई साहब का कहना है कि इंडिया की तरफ से देखना चाहते हैं। अपनी अलग अलग सोच है, सामने वाली पार्टी का तो अभी तक कोई नेता ही नहीं उभर के आया है, हर चुनाव हार रहे हैं वो जाके, एक चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं वो। और रतलाम की बात करते तो चेतन जी काश्यप के ऊपर आप एक इल्ज़ाम नहीं उठा सकते हो, ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं, हर तरफ रतलाम का विकास हो रहा है, चारों तरफ रोड़े बनवाई जा रही है, गोल्ड कॉम्प्लेक्स आ गया है, इंडस्ट्री आ रही है, किस चीज़ की कमी है भैया बताओ तो सही। आप एक भी इंडस्ट्री नहीं आई, कश्यप जी 10 साल में बताए रतलाम में कितनी इंडस्ट्री लाए और कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया, सड़कें बनाने से किसी भी
शहर का विकास नहीं होता है। कांग्रेस के दौर में हर इंसान की जेब में पैसे रहते थे, आज के दौर में पैसा ही नहीं है। आज के दौर में आपके पास मोबाइल है ना, उसमें बैलेंस है ना, तो डिजिटल इस्तेमाल करो ना, पैसे रख के क्या काम है दो नंबर के आपको। इस देश में डिजिटल क्रांति लाया कौन, जरा पूछो तो सही मोदी जी से, इस देश में डिजिटल क्रांति लाया कौन। 50 साल से बोल रहे राजीव जी कंप्यूटर लाए थे, गए राजीव जी, अब मोदी जी का जमाना है, अब मोदी जी का जमाना है, जब जाएंगे बाकी अभी है। वो अभी चलता था, आज भी चल रहा है, कोई चीज आती है उसको हर आदमी आगे बढ़ाता है। भैया मेरी बात सुनो, अभी मोदी जी है 5 साल और आने वाले टाइम पे योगी जी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। आप भी बड़ा चेहरा नहीं है मोदी और योगी को टक्कर देने के लिए, कोई भी नहीं है। हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। पिछली बार बना भी था इनका तो मालूम है ना भैया, 15 महीने आपस में ही गायब हो गए, राजा महाराजा इधर उधर चले गए। तो आम आदमी है ये कार्यकर्ता बेचारे सालों से हिम्मत कर रहे, हमारी पार्टी गया, कामकाज खत्म है इनका। कुछ बीजेपी की सरकार थी, ये खरीद फरोख्त की सरकार थी, पैसे के बलबूते पे बनाई हुई सरकार थी और उनका ये सारा चेहरा सामने आ गया। अरे भैया ऐसे कोई किसको खरीद सकता है क्या, मेरा वोट है कोई खरीद सकता है क्या, कोई नहीं खरीद सकता है। सब मिलीजुली सरकार, पद की लड़ाई के चक्कर में सरकार चली गई है। मैं बनूंगा बाप, मैं बनूंगा। भैया रिटायरमेंट ले लो, 70-75 की उम्र हो गई है, युवा कब आगे आएंगे, हर बार आप ही खड़े हो जाते हो, मैं मुख्यमंत्री, मेरे गृहमंत्री, ऐसा नहीं चलता है, हर बार नया चेहरा लाओ। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया, कांग्रेस के इसमें तो कमलनाथ है, क्यों शिवराज को लड़ा रहे, क्यों नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को लड़ा रहे, क्यों सिंधिया जी की बात कर रहे, कोई एक युवा चेहरा घोषित करो ना। कांग्रेस ने तो कर रखा है कमलनाथ जी को। देखा जाए तो हर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो गया है, रतलाम में, मैदान में एक नंबर विधानसभा से, क्या इनका क्या इतना वो गिर गया क्या मनोबल। रतलाम की बात करो, इंदौर उज्जैन बाद में जान दो, रतलाम में अगर कोई कांग्रेसी बोल दे कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो मैं उसका दावा मान लूँ, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 25,000 ऊपर वोट से जीतेगी। हाँ भारत जी सकलेज अच्छे आदमी है, बाकी पार्टी अच्छी नहीं है भैया। महापौर के चुनाव में लीड 5,000 तक कैसे आ गई, जरा चेतन जी कश्यप बताएंगे कि जो 25,000 से जीतने की बात कर रहे हैं, एक महापौर का चुनाव 5,000 के छोटे से अंतर से जीते। अरे भैया जीत होती है, हार होती है, अभी कहा गए कांग्रेस के नेता 25,000 का जो लाए है 56,000 लाए अभी शिवराज जी, 3 महीने के लिए क्यों लाए, इसके पहले क्यों नहीं लाए, इनको पहले याद नहीं है किसी की, क्या क्या कहना भैया आपको इस पे। अरे भैया आप रतलाम शहर के बच्चे से भी पूछोगे ना, ये आधे लोग अभी भारत जी सगले जा बोल रहे, बाकी वोट जाके चेतन जी को ही देंगे। ये व्यापारी वर्ग हमेशा बीजेपी को ही वोट देता हुआ आया है, भले से सारे टैक्स भर रहे हैं बाकी खुश है वो, ठीक है। और आप बात कर रहे हो देश के विकास की, क्या देश का विकास नहीं हो रहा, पूरा वर्ल्ड की हालत देख लो, अमेरिका की करेंसी डाउन, चाइना की करेंसी डाउन, इंडिया की हालत बताओ आप। दो कोविड से निपटे इंडिया, फिर भी आज चारों तरफ से इंडिया हो रहा है, किस चीज में इंडिया पीछे रह गया। सरकार ने मध्य प्रदेश की 3,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, और ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट के करोड़ों का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कर दिया, ये ऐसा विकास कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया, क्या लगता है आपको वो भी मुफ्त की रेवड़ी है, वो भी कहां से देंगे, 3,000 रुपए दे देंगे कमलनाथ जी, सब दे देंगे मुफ्त का, तो सही में सब बंद होना चाहिए, केवल शिक्षा रोजगार और ये हॉस्पिटल फ्री में मिलना चाहिए, बाकी इसके अलावा सब फ्री में बंद होना चाहिए। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक तो कुछ रोजगार के लिए कुछ काम नहीं किया? नहीं, प्रधानमंत्री अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश में हमारे रतलाम में काम चाहते हैं, वो उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में काम हो रहा है, लेकिन हमको हमारे मध्य प्रदेश में हमारे रतलाम में रोजगार चाहिए। आपके रतलाम में रोजगार नहीं है? रतलाम में भैया आप देखोगे तो हर दूसरा आदमी बेरोजगार घूम रहा है, और इंडस्ट्रीज एरिया के नाम पे कुछ भी नहीं है रतलाम में। आप छोटी सिटी में चल जाओ, देवास चल जाओ, उज्जैन चल जाओ, हजारों फैक्ट्रियां मिल जाएगी, और रतलाम में 5 फैक्ट्री नहीं है। सांसद जी हमें हमारे रतलाम का दुर्भाग्य रहा है कि चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, कांग्रेस हो या बीजेपी, सांसद जी हमेशा रतलाम से गायब ही रहे भैया, क्योंकि हमारे चुनाव में दिखते हैं सांसद जी, चुनाव में भी नहीं दिखते, कोई कार्यक्रम होता, कोई बड़ा नेता आता पार्टी का, तो कांग्रेस का सांसद हो कांतिलाल जी बुरिया जैसे पहले थे, और अभी ये है डामोर साहब, सांसद जी कोई भी नहीं, एक्टिव नहीं है। एक्टिव यहाँ के विधायक जी जरूर है, और विधायक जी अपने दम पे काम करवा रहे हैं, उनके काम में किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। मतलब आपका ये कहना है कि बस यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं, सांसद कोई काम नहीं कर रहा? सांसद काम को तो कोई लगता ही नहीं है कि सांसद निधि से कोई पास हुआ हो कि कुछ हुआ, ये इतनी जनता बेटी इन्होंने कब देखा था सांसद जी को आखिरी बार, आप इनसे पूछ लीजिए। बात देखो भैया, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना हमारे को किसी पार्टी से लेना देना है, हम व्यक्तित्व और काम देख के वोट देते हैं, बाकी जो बात सच है वो सच है। चैतन्य जी काश्यप अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी सांसद जी का कोई पता नहीं है। यहाँ का सारा पैसा जावा चला जाता है,
रतलाम विधानसभा में कोई भी सांसद का न तो पैसा आता है और नई सांसद आते हैं यहाँ चेहरा दिखाने। जाए तो आपके यहाँ के जो सांसद है पहले झाबुआ के विधायक रह चुके हैं। ये भी सुना है कि हमारे रतलाम से सांसद जी को हमारे विधायक जी ने जीतवाया है। प्रधानमंत्री के गद्दी पे आप किसको बैठाना चाहेंगे? नरेंद्र जी मोदी। नरेंद्र मोदी को ही? उनको ही क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास कर रहे हैं, वो विकास की गति एक तरफा चल रही है उनकी। अन्य राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहा वो उद्यम क्रांति युवाओं को लोन दे रहे हैं, जमाने की उन्होंने योजनाएं निकाल दी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी जमाने की योजनाएं निकाल रखी है, उद्यम क्रांति मुद्रा लोन, ऐसे जमाने के लोन उन्होंने निकाल रखे हैं जिससे कोई बेरोजगार रह नहीं सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए? हाँ जी। जो गठबंधन हुआ उसका उसमें भी नरेंद्र मोदी जाना चाहिए। क्या लगता है भैया आपको 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, किसको देखेंगे प्रधानमंत्री गद्दी पे? प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट तो अभी बीजेपी का रुझान चल रहा है ज्यादातर तो, लेकिन जो गठबंधन हुआ है वो अभी तो अपना दाव ठोक रही है कि हम अपने प्रधानमंत्री बैठाएंगे। राहुल गांधी हो गए और केजरीवाल हो गए। केजरीवाल साहब हो गए, गठबंधन तो पहले भी था, अब की बार भी गठबंधन है। जीते तो पहले ही मोदी जी थे, अब की बार मोदी जी जीतेंगे। प्रधानमंत्री गद्दी पे किसको देखेंगे? प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के? प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी क्यों? अच्छा काम कर रहा है देश के लिए इसलिए। बाकी मैं कांग्रेस ही हूँ लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस के होके फिर भी मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? राहुल गांधी को पता चल गया तो बुरा मान जाएंगे वो? बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वैसे एमपी में तो कांग्रेस आएगी, रतलाम में भी कांग्रेस आएगी। केंद्र की बात अलग होती है और राज्य की बात अलग होती है। हम राज्य केंद्र को लेकर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। लोगों की पसंद है ना मोदी जी, तो उनको कोई हर्ज नहीं बोलने में मोदी जी आएंगे। केंद्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग है। राज्य में देखा जाए तो कांग्रेस है। रतलाम में भी कांग्रेस, कोई काम ही नहीं। रतलाम में केवल भ्रष्टाचार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बस भ्रष्टाचार हुआ। पूरी रोड खोद दी रतलाम की, पूरी रोड पे धुले, गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है, आम लोग परेशान है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, आम जनता परेशान है। क्या लगता है आपको जो अभी इंडिया का गठबंधन हुआ है वो एनडीए को कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है राजनीति में? अरे इंडिया ही आएगी, ये तो सब खा खा के घर के बैठे हुए हैं। वो 70 साल से रतलाम में देखो ना बीजेपी शासन कर रही है, आपको कुछ तरक्की दिख रही है? 70 साल में रतलाम में बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सब कुछ है, मंत्री बने सब कुछ बने, रतलाम में कुछ नहीं हुआ भाई। और बीजेपी को कोई वोट देने की आपकी इच्छा भी नहीं है पब्लिक की। मोदी जी को फिर नहीं लाना चाहते आप? मोदी की टाइम बाद में देखेंगे, अभी तो इससे निपट ले, पहले मामा को घर भेजे पैक करके, उसके बाद मोदी जी की बारी आएगी। मोदी जी को घर भेजेंगे? भेजेंगे, अभी बाद में देखेंगे, सोचेंगे समझेंगे उसके बाद। भाई साहब का कहना है कि मोदी जी आएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे? पहले अभी वर्तमान में जो पहले मामा को घर भेजे उसके बाद में भी मोदी जी की बात आएगी। अभी तो सिर्फ मामा का है कि मामा ने बहुत विकास करा, देखो ना कितना विकास करा, गाड़ी है, ट्रैफिक जाम है, मेन मार्केट है बाजार का। वो 70 साल से विधायक है रतलाम में बीजेपी का, आज का नहीं, गए मंत्री रहे, बड़े बड़े पोस्ट पर, लेकिन रतलाम का विकास कुछ नहीं हुआ। और अभी आगे हमारे विधायक है तो घर से बाहर निकलते ही 3 बार मिलना पड़ता है उनके पास जाने के पहले, 3 सीढ़ी क्रॉस करने के बाद में विधायक मिलता है। पहले पीए से मिलो, फिर डीए से मिलो, ना फिर विधायक से मिलो। ऐसा विधायक चाहिए सड़क पर मिल जाए अपने को, दस्तखत करने के लिए, ये वो करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए। ऐसा कोई भैया आपको ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कौन है आपके? तो भैया पारा सेक्रेटरी जीतेगा, सड़क का आदमी है, सड़क पे मिलता है। अब यहाँ साइन करना जो मैं आपको बता दूँ हकीकत, 3 स्टेप चलना पड़ती है। पहले उनके पीए से मिलना पड़ता है, पीए के पीए से मिलना पड़ता है, फिर बाद में ओरिजिनल पीए से मिलना पड़ता है, फिर वो उसकी इच्छा होती है तो आगे जाने देता है, तो वही खत्म खान तो नहीं जाने देता, खत्म खान। 10 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये विकास सड़कें बना दी, केंद्र की योजना चोरी चोरी करना बस, और क्या विकास नहीं होता है। 4 सड़कें बनना विकास नहीं होता है, विकास के नाम पे आपने 4 सड़कें बना दी 10 साल में और आपको के मैंने विकास किया तो वो विकास की परिभाषा वो नहीं होती है। विकास में आम लोगों को रोजगार मिलना पड़ता है, देना पड़ता है, सुविधा देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, नियमित लाइट देनी पड़ती, उसको विकास कहते हैं। आप कहते हो मैंने 4 रोड बना दी और रतलाम का विकास कर दिया, तो हमारी नज़र में वो विकास नहीं है, आम जनता की नज़र में वो विकास नहीं है। बातें फेल है इनके, ये कहते हैं कि रतलाम में 2 ही टाइम पानी देंगे, आज तक कभी आपके रतलाम में 2 ही टाइम पानी आया क्या? ये हमारे विधायक मोदी का पहला वादा है कि 2 ही टाइम पानी दूंगा, अभी तक कहीं भी रतलाम में 2 ही टाइम पानी नहीं आता, कभी नहीं आया। उनके घर आया होगा, 24 घंटे चल रहा होगा। मैंने क्या कहा, ये विधायक कैसा है, इससे मिलने के लिए हमको 3 स्टेप चढ़ना पड़ती है, पहले पीए से, फिर पीए के पीए से, फिर विधायक के पीए से, उसके बाद में विधायक की इच्छा होती है तो अपन मिलते हैं, तो अपने को मिलते ही नहीं है। वो इस बार परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। केंद्र की नहीं, पहले तो प्रदेश में बिहार करा दे, 20 साल से बैठे हुए हैं ना, शासन कर रहे हैं ना, मजे ले रहे हैं, पहले केंद्र की बात बाद में करेंगे।
वहीं हमने अभी रतलाम को की जनता से बातचीत की के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। इनका कहना है कि कहीं पर परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, तो कोई कहता है कि इंडिया की तरफ से कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो कोई कहता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और रतलाम की जनता की बातचीत करें तो इनका कहना है कि जो यहाँ के सांसद है वो कभी हमको दिखते ही नहीं है, हमेशा गायब रहते हैं। और जो रतलाम का पैसा, वो जहाँ के वो पूर्व विधायक रह चुके हैं झाबुआ से, वो वहाँ पर पूरा पैसा लगाते थे, वो उन्होंने रतलाम को पूरा गंदगी से भर दिया है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ के जो सांसद है वर्तमान में, जो सांसद है, उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।